जोर से बोलो राम की। इसलिए हमारे भारत में पहले रामायण पढ़ाई होती थी, स्कूल कॉलेज में भी प्रभु राम की कथा सुनाते थे। इसलिए बच्चे क्या करते थे, पिता माता की सेवा करते थे। इसलिए एक समय हमारे बड़े गुरु जी को किसने आकर के बोले, पिता बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते। क्या है, बच्चे बात नहीं सुनते। देखो गुरु जी ने क्या बताया, बोले बेटा कभी रामायण पढ़े हो, बोले नहीं। बोले बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया हो, बोले नहीं। तो गुरु जी बोले पर बच्चे तुम्हारी बात कहाँ से सुना, क्योंकि कहाँ पर बताया गया पिताजी के आदेश पालन करनी चाहिए, ये रामायण कहता है। भगवान राम पिताजी की पितृ आदेश पालन करने के लिए कितने साल तक वन में गए थे, बोलो कितने साल तक, 14 साल तक गए थे। इसलिए पहले बच्चे रामायण पढ़ते थे, इसलिए पिता माता को आदर करते थे। लेकिन अभी अपना बच्चे को बोलो, बेटा मेरे आदेश पालन करने के लिए तू 14 दिन के लिए कहीं जा, बताओ बेटा तुम्हारे जाएगा कि नहीं। वो तो 14 दिन के लिए हनीमून मनाने जा सकता है, लेकिन पिताजी के आदेश पालन करने के लिए नहीं जाएगा। गुरु जी कहते थे कारण यही है, हम रामायण नहीं पढ़ते हैं, रामायण हमें नहीं पढ़ते हैं। इसलिए भगवान राम सवेरे उठकर क्या करते थे, बोले प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता। ठाकुर जी सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता के चरण की सेवा करते थे। हम लोग रामायण देखे हो टीवी में, कौन कौन रामायण देखे, हाथ उठाओ तो देखना। जब से दशरथ महाराज जब शयन करते थे, भगवान राम स्वयं पिताजी के चरण की सेवा करते थे। इसलिए पहले लोग रामायण पढ़ते थे, इसलिए पिता माता की आदर करते थे, पिता माता की सेवा करते थे, पिता माता की आदेश प्रार्थना करते थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात अभी है, बच्चों को तो स्मार्टफोन पकड़ा देंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं तो रामायण पढ़, रामायण पढ़, खुद नहीं पढ़ते बच्चों को क्या बताएंगे। पहले तो खुद पढ़े, पहला गुरु तो पिता माता है। अरे पिता माता का ही आदर से बच्चे को पर पढ़ता है। दिन भर मैया खुद स्मार्टफोन लेकर पढ़ी हुई, दिन भर टीवी खोलकर घर में बैठी हुई, तो बच्चों को संस्कार आएगा कहाँ से। इसलिए देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, मैया जसोदा ये कृष्ण को बचपन में थपथप लगा करके प्रभु राम की कथा सुना रही है। अगर आप भी चाहते हो आपका घर अयोध्या बने, अयोध्या मतलब क्या है, जहां पर कभी युद्ध नहीं होता है। अवध मतलब क्या है, जहां पर कोई मरते नहीं। अगर चाहते हो तुम्हारी घर वृंदावन बन जाए, घर तुम्हारी अयोध्या हो जाए, सबसे पहले क्या करो, रामायण पढ़ो। अब सभी को कम करो, रामायण पढ़ो और बच्चों को भी रामायण पढ़ाओ। अब खुद भी भक्ति करो, हरि नाम करो, बच्चों को भी हरि नाम की शिक्षा दो, तभी तो बच्चा घर अयोध्या बनेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, लंका बन जाएगा। क्या बन जाएगा घर तुम्हारी, लंका बन जाएगी। फिर हनुमान जी फिर पूरा लंका में जैसे आग लगा दी, फिर हमारे घर में भी आग लग जाती। क्यों, पिता माता के आदेश पालन नहीं करते, सेवा नहीं करते, दारू पीना शुरू कर देते हैं, जुआ खेलना, मांस मछली खाना शुरू कर देते, फिर घर हमारी लंका बन जाती है। इसलिए मैया जसोदा दुनिया को यही शिक्षा देती है। क्या है, देखो माता है, तुम लोग माता भी बैठे हो, जैसे भागवत कथा सुनती हो, घर में भी जाकर के बच्चों को कथा सुनाओ, ठाकुर जी को बारे में बताओ, ठाकुर जी को बारे में, तभी तो बच्चे अच्छे बनेंगे ना। इसलिए छोटी छोटी कृष्ण की कथा, राम की कथा, हमारे ध्रुव प्रह्लाद की कथा, वाल्मीकि कथा बच्चों को हमें सुनानी चाहिए। एक दिन मैया जसोदा कन्या को थपथप लगा करके रामायण सुना रही थी। बोले कान्हा दशरथ नाम के एक राजा थे। कृष्ण बोले हूँ। बोले राजा के घर में तो सब सुख सुविधा थी, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थे। बोले हूँ। बोले श्री दशरथ महाराज ने पुत्रष्टि यज्ञ करवाए, यज्ञ से चौरू निकला, खीर निकला, तो उन्होंने तीनों रानी को बांट करके खीर खिला दिया, और उपयुक्त समय होने पर भगवान स्वयं ये चतुर्व्यूह रूप में राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न भरत रूप में जन्म हुए। बोले श्री सियावर रामचंद्र की। कृष्ण बोले हूँ। बोले उन्होंने 64 दिन में उन्होंने 64 विद्या को उन्होंने अध्ययन किया। कृष्ण बोले हूँ।
बोले एक समय श्री विश्वामित्र जी आए दशरथ महाराज से, बोले दशरथ महाराज मैं जब यज्ञ करता हूँ ये राक्षस लोग आकर के उसमें टाटी पेशाब कर देते हैं, यज्ञों को करने नहीं देते, आप राम लक्ष्मण को मुझे दो, मैं भी मार सकता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जस किसको मिले, ये जस मिले किसको, भगवान को मिले जस। इसलिए उन्होंने राम लक्ष्मण को लेकर गए और बीच में अहल्या आई और अहल्या की भगवान के चरण स्पर्श से माता अहल्या को उन्होंने उद्धार किए। बोले श्री भगवान रामचंद्र की। लेकिन गए कहां पर, गए अयोध्या, उन्होंने यज्ञ को उन्होंने पूरी की। जब इधर आ जाओ, इधर इधर आ, इसलिए यज्ञ को उन्होंने पूरी किया। ये कहां से आए भैया? हाँ संस्कार दो, सब तिलक लगाए और भगवान की भक्ति करे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उन्होंने उन्होंने जब विश्वामित्र की यज्ञ को उन्होंने सफल भूत किए, बोले प्रभु आप तो एक यज्ञ को सफल कर दिए, लेकिन अभी जनकपुरी में भी और एक यज्ञ हो रही है, वो यज्ञ को भी आपको भी सफल करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहाँ गए, बोले जनकपुरी गए और जनकपुरी में श्री जनक महाराज की प्रतिज्ञा थी। क्या प्रतिज्ञा थी? ये धनुष को उठा करके उसमें जो प्रत्यंच को चढ़ा दे उसको साथ में मेरी बेटी जानकी की उसको साथ में ही शादी होगी। वहां पर बड़े बड़े राजा लोग वहां पर आए हुए थे, लेकिन धनुष को कोई टस से मस तक भी नहीं कर पाए। इतने में वहां पर श्री जनक महाराज बैठे हुए थे, उनको पता है अगर ये धनुष को उठाएगा तो कोई श्री राम ही उठा सकता है, लेकिन राम तो लक्ष्मण तो चुपचाप बैठे हुए, चुपचाप बैठे हुए। जब किसी ने धनुष को टस से मस तक भी नहीं कर पाए, इतने में जनक महाराज सोच रहे हैं भैया झंडा कहाँ रहता है, बोले डंडे के ऊपर ही झंडा रहता है। बोले ये डंडा स्वरूप कौन है, बोले भगवान श्री लक्ष्मण जी। बोले झंडा स्वरूप कौन, बोले राम। पहले डंडा उठे तब तो झंडा उठेगा, इसलिए किसी तरह से यहाँ से लक्ष्मण को उठाना पड़ेगा, तभी तो जाकर के राम उठ सकते हैं। इतने में जनक महाराज जी थोड़ा ताना छेड़ दिए, बोले लगता है ये पृथ्वी वीर शून्य हो गया है, जिस धनुष को बचपन में मेरी बेटी जानकी जब घर की लिपा पोता लगाया करती थी वो एक हाथ से उठा करके दूसरे हाथ से लिपा पोता लगा देती थी, जब मेरी छोटी बच्ची धनुष को उठा सकती है और यहाँ पर इतने बड़े बड़े राजा ये कोई टस से मस तक भी नहीं कर पाए, लगता है पृथ्वी वीर शून्य हो गया है। इतना बोलते ही लक्ष्मण वहां पर थे। लक्ष्मण कौन है? धरणीधर, ये स्वयं अनंत नाग है। हैं? एक नाग के सर के ऊपर में एक मणि होता है, वो मणि में ही उसका प्राण होता है। अगर किसने मणि को छीन लिया ना फिर तो ये सर को उसको खा जाता है। कहते ये मणि स्वरूप कौन है? बोले भगवान राम। मणि स्वरूप भगवान राम है। आप लोग रामायण देखे होंगे, देखे होंगे अगर राम को थोड़ी इधर उधर कोई बोलते ना लक्ष्मण सहन नहीं करते, सहन नहीं करते थे। इसलिए जब इतनी सी बात वाले पृथ्वी वीर सुन हो गया, लक्ष्मण को बड़ा ताव आ गया, लक्ष्मण खड़े हो गए, बोले जनक महाराज चुप बैठो, इतने बड़ी बात पृथ्वी वीर सुन हो गया, आपको पता नहीं है कौन बैठे? विश्व ब्रह्मांड का मालिक बैठे हैं। हम तो बचपन में ऐसे कितने धनुष को खेलते खेलते तोड़ फोड़ कर दिए और साधारण गलम भूसा जैसे एक धनुष को कहते कोई उठा नहीं पाए। ये धनुष की बात छोड़ दो, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को मैं एक कच्चा गेंद की भांति उठा करके करोड़ों मील तक जा सकता हूँ। इतने में राम बोले लक्ष्मण चुप बैठ जा, यहाँ पर गुरु जी बैठे ना, पहले गुरु जी को तो आदेश दे दे। हाँ मेरे को बता तू सख्या धरण धरे, अगर ये लक्ष्मण अगर ये धनुष को तो तोड़ेगा उसको साथ में सीता की नाता जोड़ेगी, अगर तू धनुष तोड़ दिया तो मेरी क्या होगी? इसलिए तू बैठ जा, अभी गुरु जी का आदेश लेने दे। अभी उपयुक्त समय पर आकर के विश्वामित्र जी बोले बेटा राम जा, ये
ये धनुष को उठा करके श्री हैं जनक महाराज का हृदय में जो ताप को दूर करो। अभी गुरु जी को आदेश पा करके बच्चों को ले आओ, हरे कृष्ण बच्चों को ले आओ। अभी गुरु जी को आदेश पा करके धीरे धीरे तक प्रभु राम आगे चल रहे हैं। माता जानकी सामने खड़ी हुई वरमाला लेकर खड़ी हुई। जब भगवान राम धनुष को उठाने के लिए जा रहे थे, अरे मेरे तरफ में देखो, जब धनुष को उठाने जा रहे थे, अभी मैया सीता तो बड़ी चिंता में पड़ी गई। बोले क्यों? बोले ये राम क्या ये धनुष को उठा पाएंगे? क्योंकि जिसको 400 व्यक्ति एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाते थे, इतने बड़ा ये धनुष था। मेरे तरफ में देखो, उधर क्यों देख रहे हो? अरे इधर देखो, उधर भी मत देखो। इसलिए बोले ये धनुष हो गया उठा पाएंगे? कहते मैया सीता के मन में शंका क्यों हो गई? बोले कारण है, जब भगवान राम सवेरे पुष्प चयन करने गए थे, उसी समय माता सीता भी गौरी पूजा के लिए गई थी। भगवान राम पुष्प चयन नहीं कर रहे थे, पुष्प इनका हाथ में समर्पित हो रहा था हैं। उसी समय में भी भगवान राम इतने कोमल शरीर था, उनके शरीर से पसीना की बूंद गिर रहा था। इसलिए बोले इतना बड़ा धनुष हो गया, तोड़ पाएंगे प्रभु राम? ऐसे चिंता करते 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 मैया सीता मन प्राण त्याग देने जा रही थी। इतने में भगवान राम ने देखा, का बरसा जब कृषि सुखाई, मैं इसलिए धनुष को तोड़ने चाह रहा हूँ, सीता जी के साथ में नाता जोड़े, अगर सीता अगर पहले अगर शरीर छोड़ दिया तो क्या होगी? इतने में उनकी मन की भावना को समझते हुए भगवान राम जल्दी जल्दी गए और धनुष को उन्होंने पकड़े, और धनुष को पकड़ करके उन्होंने प्रत्यंचा जब चढ़ाने के लिए गए, धनुष दो टुकड़े हो गए। श्री सियावर राम चंद्र की जय, श्री भवन सुत हनुमान की जय। अभी भैया थोड़ी देर बैठ जाओ, कोई खड़े मत हो, बैठ जाओ बच्चों, कोई खड़े नहीं, सब चुपचाप बैठ जाओ। हाँ इधर देखो, मेरे तरफ में कथा सुनो, आप तो कथा सुनना ही भूल गए। हाँ मेरे तरफ में देखो इधर क्या हुआ। इतने में जब उन्होंने धनुष को तोड़ दी, श्री जनक महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। सुनयना को बोले, सुनयना जल्दी जल्दी सीता को लेकर के आ। अभी उन्होंने सीता को लेकर के आई, सीता को उन्होंने लेकर के आई, आ करके अभी भगवान राम को गले में पहनाने जा रही थी। लेकिन जब पहनाने के लिए जा रही थी, भगवान राम एक तो सीता जी भगवान की कंधे तक, राम पर मुकुट पहने हुए वैसे ही लंबे। अभी सीता मैया जब उन्होंने माला पर पहनाने जा रही थी, उनकी हाथ ही नहीं पहुंच रही है, उनके हाथ नहीं पहुंच रही है। इतने में वहां पर सीता जी की सब सहेलियां थी, इतने में जाकर के राम की कान से बोले, कोई बात मत करो, राम की कान में जाकर के बोले, बोले राम थोड़ी सी सर झुका दो ना। राम बोले क्या? रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए भरु बचन न जाए। हम दशरथ महाराज के बेटा हैं, अभी तक हम किसकी चरण में सर नहीं झुकाए, अभी शादी भी नहीं हुई, कहते इनकी सर झुका दो। भैया हम तो सर किसकी चरण में नहीं झुकाएंगे, हम तो ऐसे ही तैसे खड़े रहेंगे, अभी दुनिया देख रही है, अभी क्या होगी। इतने में सखियां बोली किसको कान में? लक्ष्मण को। बोले लक्ष्मण तू हमारी एक काम कर दे, तुम्हारी भी हम एक काम कर देंगे। लक्ष्मण बोले बताओ क्या करना? बोले देखो ये सीता जैसे सुंदर है ना, इसकी एक छोटी बहनी है, उसका नाम भी उर्मिला। क्या नाम है? अरे मेरे तरफ देखो, उसका नाम क्या? उर्मिला। अगर तू अगर हमारी काम करोगे तो तुम्हारी काम हम कर देंगे। बोले बताओ, जब शादी की बात आ गई ना, बोले भैया कुछ तो करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले ऐसे काम करो, राम का चरण सर झुक जाए और मैया सीता गले में माला डाल दी। इतने में प्रभु राम की भावना को समझते हुए लक्ष्मण ने प्रभु राम को चरण में उन्होंने प्रणाम जब करने के लिए गए, राम उठाने के लिए गए, तो श्री सीता जी गले में माला को डाल दी। बोले श्री सियावर राम चंद्र की, बोले श्री पवन सुत हनुमान की। तुम भी माला डाल दो, माला डालो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
शादी की व्यवस्था हुई, जब शादी की व्यवस्था हुई, अभी दशरथ महाराज बरात लेकर के आए, जब उन्होंने बरात लेकर के आए, पहले जनक महाराज सोच रहे थे ये दो भाई, लेकिन ये पता चला ये दो भाई नहीं, ये कितने भाई थे? अब तो मेरे को कथा सुनने से भूल गए, वो कितने भाई थे? चार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और ये चार ही बहन थी, सीता उर्मिला सुतकीर्ति और मांडवी। बोले भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, हैं भैया शुभम शीघ्रम शुभ कार्य जितने जल्दी होकर देनी चाहिए, ये भी चार भाई वो भी चार बहन। तब उन्होंने परामर्श दशरथ महाराज से और श्री वशिष्ठ जी से किया, तो बोले भैया कोई बात नहीं, हम तो एक साथ में चार हाँ बेटियों को शादी करके यहाँ से चार हाँ बहू ले जाना चाहते हैं। अभी इनकी शादी हो गई, चार भाई भाइयों की जब शादी हो गई, पहले क्या नियम होता था, शादी से पहले कोई नहीं मिलते थे, शादी के चार दिन बाद में फिर उनकी मिलन होती थी। जब चार भाइयों का शादी हो गई, इतने में श्री कहते जो सखियां थी ना सीता जी की सहेलियां, तब उन्होंने चार ही बहनी को दुल्हनी बना करके और घूंघट उतार करके ले आए। बोले देखो चार भाइयों को, तुम चार भाई और तुम्हारी ये चार बहू है, जो जिसका बहू छान लो। राम को बोले सावधान राम, क्योंकि छोटे भाई का जो बहनी ये क्या है बेटी के बराबर। तीनों भाई को बोले सावधान, बड़े भाई की जो पत्नी वो माँ के बराबर है। इसलिए राम को बोले अगर अपना पत्नी को पत्नी नहीं बोल करके, अगर छोटे भाई का पत्नी को अगर तुम बोल दिया पत्नी, मतलब बेटी को पत्नी बनाना कितना बड़ा पाप तुम्हें पता। तीनों भाई को बोले देखो अगर तुम अपना पत्नी को पत्नी नहीं करके, अगर बड़े भाई का पत्नी को पत्नी बोला, मतलब माँ को अपना पत्नी बनाना कितना बड़ा पाप। चार भैया को तो बसना बसना भेज दे, अभी तक तो देखे नहीं कोई कोई किसी का, कौन उर्मिला कौन सुत गिरती, और इतने बड़े बड़े घूंघट खींच कर लाए। इतने में भगवान राम ने बहुत सोच सोच करके बोले ये मेरी पत्नी है। भरत को बोले तुम बोले तुम्हारी पत्नी कौन, बोले ये मेरी पत्नी है। शत्रुघ्न को बोले तुम्हारी पत्नी कौन, बोले ये है। लक्ष्मण को बोले तुम्हारी पत्नी, बोले ये। चार भाई तुम सही सही बता दिए हमारी पत्नी कौन है। उनको जो सालियां थी ना सखियां, बोले तुम लोग अभी तक तो अपना पत्नी को देखे ही नहीं, पहचान ही कैसे गए। राम ने कहा मैंने सीता को दो बार देखा है। कहाँ देखा, एक तो वाटिका में देखा और जो मेरे गले में माला डाल रहे थे तभी मैंने देखा, इसलिए मैंने पहचान लिया। भरत को पूछे तुमने कैसे पहचाना, बोले देखो मैं जब कोई काम करता हूँ प्रभु राम की चरण की चिंतन करते हुए करता हूँ, इसलिए हर काम में मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ। इतने में शत्रुघ्न को बोले बोले तुमने कैसे पता चला तुम्हारी पत्नी, बोले मैं सबसे छोटा हूँ, देखा इसमें जो सबसे छोटी होगी वही मेरी पत्नी होगी, इसलिए सबसे छोटी को मैंने पत्नी बोल दी। लक्ष्मण को बोले भैया तुमको कैसे पता चला, भैया तीनों जो तीनों ने छांट लिया जो रह गई वो मेरी है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की
चंद्र की जय हो, श्री पवन सुत हनुमान की जय, जय श्री राधे। ये तीनों को यहाँ बैठा दो। हाँ, अभी हम लोग श्री गिरिराज की कथा सुनेंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। में आनंद नहीं आया कोई, तो जय कोई है बोलने। देखो, जो जितने जोर से गिरिराज की जय देगा उसका उतना ही पाप खत्म होगा, उतने ही भक्ति मिलेगी। इसलिए जोर से बोलो, बोले श्री गिरिराज की। हाँ, देखो ये जो गिरिराज गोवर्धन है, ये कोई पहाड़ नहीं है, ये स्वयं गर्ग संहिता में आया है। एक समय गोलोक वृंदावन में, इधर बैठो, आप भी बैठ जाओ चुपचाप सामने, इधर ही तीनों को उधर के लेकर बैठ जाओ, एक इधर बैठ जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। कहते जो गिरिराज गोवर्धन है, एक समय गोलोक वृंदावन में श्री बांके बिहारी राधा रानी से बोले, बोले देखो राधे, ये मरते जगत में मैं जाना चाहता हूँ, मेरे साथ में चलो। राधा रानी बोली, मैं नहीं जाती हूँ। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, जहाँ पर निधुवन निकुंज वन नहीं, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ। कृष्ण बोला, देखो राधे, जब ये गोलोक वृंदावन से मैं मरते जगत में उतरूंगा, ये संपूर्ण रूप में ये गोलोक वृंदावन को ही उतार दूंगा। ये गिरिराज भी मेरे साथ में जाएंगे, यमुना पटरानी भी जाएगी, नंदगांव बरसाना सब चलेंगे, और मेरे ग्वाल बाल पिता माता, तेरे सखी और तेरे पिता माता भी चलेंगे। राधा रानी बोली, ठीक है फिर तो मैं चलूंगी। इसलिए जो गिरिराज गोवर्धन है, वो गोलोक वृंदावन से ही ठाकुर जी अपना धाम को साथ में जी जगत में ठाकुर जी अवतीर्ण हुए। इसलिए जब श्री गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए, कहते किस रूप में प्रकट हुए, द्रोण और धरा की, द्रोण मतलब होता है द्रोणाचल पर्वत, धरा मतलब होता है पृथ्वी, इनकी बेटे रूप में श्री गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए। प्रकट हुए तो स्वर्ग से देवता लोग पुष्पों की बौछार की और गिरिराज महाराज की जयकार दिए। बोले श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए श्री गिरिराज को बोले, ये कौन है? बोले ये सर्व अभीष्ट प्रदाता। मतलब है अगर कोई गिरिराज से जो कुछ मांगे, गुरु जी कहते थे जो गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं ठाकुर जी भी उसको पीछे ठाकुर भी चलते रहते हैं। इतने कष्ट करके ये मेरी परिक्रमा लगा रहा है, ये मेरे से क्या मांगेगा? ठाकुर जी समस्त इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। ठाकुर जी, हम लोग गिरिराज गए हो, कौन कौन गिरिराज गए हैं? कभी गुजरों का देवता तो गिरिराज बाबा है ना, आप तो गिरिराज में देखे होंगे। देखना गिरिराज शिला के ऊपर शिला रखा हुआ देखे हो? बोले क्यों? बोले जिसको जितने मंजिली मकान की जरूरत है, वो गिरिराज शिला के ऊपर में जितना शिला रख दे, ठाकुर जी उतना मंजिल इसको मकान दे देते हैं। अगर किसी के बच्चे का नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, आप गिरिराज में जा करके देखना, पेड़ में पेड़ बंधा हुआ, उसमें धागा लगा हुआ, कोई साष्टांग परिक्रमा कर रहे हैं, कोई दूध की धार से परिक्रमा करते हैं। अगर कभी जतिपुरा कभी दान घाटी में जाओगे और वहाँ पर मानसी गंगा में ठाकुर जी को इतने दूध की अभिषेक करते हैं, वो नाली में बहते बहते तालाब सरोवर बना हुआ है, क्योंकि गिरिराज जी को जो कुछ आप मांगो, गिरिराज समस्त इच्छाओं को गिरिराज जी पूरी कर देते हैं। इसलिए जिन जिनियों की इच्छा गिरिराज पूरी किए, वो सबके सब गिरिराज में जाकर के दूध की अभिषेक करते हैं और दूध की धार से परिक्रमा करते हैं। अब जो कुछ मांगो गिरिराज से, देखो आपको एक सही घटना सुना रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे ब्रजमंडल परिक्रमा हो गई थी,
हमने ये सब कथा सुनाई, एक व्यक्ति मेरे पास में आए, बोले बाबा आप सही कह रहे हो। मैंने क्या कह रहे हो? बोले पहले मेरा ही एक मकान था, लेकिन गिरिराज की परिक्रमा की मैंने अभिसर की ना, अभी मेरे पास में इतने मकान, मेरे को भी पता नहीं मेरे पास में कितने मकान है, और मेरे को भी पता नहीं। ये गिरिराज की मैं हर महीना में जाकर गिरिराज की परिक्रमा लगाता हूँ, तो गिरिराज नहीं मेरे संपूर्ण झोली को गिरिराज ने ही भर दिया है गिरिराज जी। इसलिए कहते हैं गिरिराज की इतने महिमा क्यों, देखो इसका कारण क्या है। देखना विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी की पूजा किया, लेकिन ये बांके बिहारी किसको पूजा किए? गिरिराज को। विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी को परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन ये बांके बिहारी राधा जी को साथ में, सखियों को साथ में, स्वयं अभी हम सुनेंगे भगवान स्वयं जिस गिरिराज की ठाकुर जी परिक्रमा लगाए, और स्वयं कृष्ण अपना कनिष्ठ अंगुल में विश्व ब्रह्मांड भगवान को उठाते हैं, लेकिन ठाकुर उठाए तो किसको उठाए हाथ में? श्री गिरिराज बाबा को उन्होंने उठाए। इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा, भगवान तो ये जगत छोड़कर गए, लेकिन हमारे कल्याण के लिए उन्होंने क्या छोड़कर गए? भले एक गिरिराज गोवर्धन और एक यमुना पटरानी और ये वृंदावन धाम को छोड़कर गए। एक बार गिरिराज की जोर से जयकार लगाओ, जो जितने जोर से जयकार लगाएगा उतना ही भक्ति प्रेम और उतना ही धन दौलत में भरोगे। जोर से बोलो, भले गिरिराज महाराज की। इसलिए कहते कृष्ण ने ये गिरिराज पूजा क्यों करवा है, देखो इसका कारण क्या है। बोले कारण बताए, एक समय कृष्ण ने देखा मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ रसमलाई लड्डी की चमचम रात भर बना रही थी। इतने में कृष्ण बोले मैया मैया तो रात भर इसे बना क्यों रही हो, क्या कल मेरी जन्मतिथि? बोले नहीं लाला। बोले दाऊ मैया का? बोले नहीं। बोले फिर? बोले जा बाबा के पास में जा, बाबा बताएंगे। जा करके बाबा की गोद में बैठ के दाढ़ी पकड़ लिए। बोले बाबा बाबा रात भर ये मैया इतने सुंदर पकवान क्यों बना रही है, कारण क्या है? बोले लाला हम सबके सब ग्वाला है, हमारी जो मूल धन ये गैया है, देखना गोधन अभी भी तुम लोग तो गुजर है ना, इसलिए नंद बाबा भी गुजर, देखना अभी भी गुजर के घर में, यहाँ पर भी देखा घर घर में गैया है, बहुत अच्छी चीज है। इसलिए पहले जिसको पास में जितने गोधन होता था वो उतना धनी होते थे, उतना बड़ा धनी होते थे। इसलिए बोले गैया ही हमारी मूल धन है, और ये गैया घास खाते हैं। बोले कैसे? बोले ये इंद्र के अधीन में ये परिजन मेघ, और इंद्र के आदेश से ये परिजन बारिश करता है, और इसमें घास उगती है, गैया घास खाते हैं, दूध देते हैं, और दूध से ही सब कुछ होता है। देखो पहले है ना, लोग इतना साग सब्जी नहीं बनाते थे, रोटी और भट्ठा नहीं तो दूध, यही उनकी मूल। अभी भी मैं हम जब गुजर घर में जा रहे हैं यहाँ गाँव गाँव में, क्या है हर घर घर में भट्ठा दूध और मक्खन है, रोटी के ऊपर मक्खन भी धर कर देते हैं। पहले यही मूल आहार था, लोग इसको खा करके आनंद में रहते थे, हैं? इसलिए कहते गोधन ही हमारा मूल धन है, इसलिए हम श्री इंद्र पूजा करते हैं। लेकिन कृष्ण क्या चाह रहे हैं? गिरिराज गोवर्धन की महिमा को स्थापन करें। क्यों? ये गिरिराज और कोई नहीं, ये गिरिराज स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही गिरिराज बन करके आए। इसलिए उन्होंने गिरिराज की महिमा को जगत में स्थापन करना चाहते थे। बोले बाबा बाबा ये जो गिरिराज गोवर्धन देख रहे हो बाबा, इसको पहाड़ मत समझो, ये ब्रज का देवता है। ये जो मेघ है ना, गिरिराज पहले बड़े लंबे चौड़े थे, बोले मेघ आकर के गिरिराज में टकराता है और बारिश होती है, कहाँ पानी कहाँ से मिलता है झरना की? बोले गिरिराज से। बोले गैया घास कहाँ खाते हैं? बोले गिरिराज से। बोले फल फूल कहाँ से मिलता? बोले गिरिराज से। बोले सबके सब जब गिरिराज से मिलता है, फिर इंद्र पूजा क्यों कर रहे हो बाबा? इसलिए हमारी सब इच्छा पूरी करने वाले श्री गिरिराज बाबा हैं। इसलिए बाबा, बोले बाबा बताओ कब से आप इंद्र पूजा कर रहे हैं? बोले जब से होश आए। बोले कभी इनको देखा खाते नहीं हो? बोले नहीं। बोले बाबा अगर गिरिराज की पूजा करोगे ना, ये प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाएंगे, धन दौलत पुत्र परिवार जो मांगोगे गिरिराज से, ये तुम्हारी झोली भर देगी। बोले बाबा इन्हीं आंखों से हम गिरिराज को दर्शन करेंगे? बोले हाँ बाबा, ये प्रत्यक्ष प्रकट होकर सब वरदान देके ग्रहण करेंगे। बोले लाला फिर तो हम श्री गिरिराज की पूजा करेंगे, इंद्र पूजा
नहीं करेंगे और पूरा ढिंडरा पिटवा दिया ब्रज में। कल हम इंद्र पूजा नहीं, श्री गिरिराज की हम पूजा करेंगे। बोले श्री गिरिराज बाबा की। और जो एक किलो बेसन का लड्डू बनाते थे, बोले भैया गिरिराज के ताई 2 किलो बेसन के लड्डू बनाएंगे। जो 2 किलो का हलवा बना रहे थे, बोले 4 किलो बनवाएंगे। हैं, इसलिए वहां पर इतने सामान लाए ना, वो उसका नाम हो गया श्री हाथ में लगा दो छत्तीस कर दो। इसलिए इतने वहां पर लाए लड्डू कचौड़ी मालपुआ है, वहां पर कढ़ी चावल इतने लाए, पूरा गिरिराज भर गया। इसलिए उसका नाम हो गया अर्नकूट। अर्नकूट मतलब क्या? कूट मतलब होता है पहाड़। अर्न की पहाड़, जलन की पहाड़, मालपुआ की पहाड़, लड्डू के पहाड़, पूरा पूरा पहाड़ पहाड़ हो गया। और चार ही तरह का चावल लाए, मीठा चावल, फीका चावल, मटर पनीर डाल करके तरह तरह का चावल। कड़ी तो 2 तरह के लाए, एक राड़ कड़ी और एक सुहागिनी कड़ी। राड़ कड़ी किसको कहते हैं? बगैर पकौड़े की। और सुहागिनी कड़ी किसको कहते हैं? जिसमें पकौड़े डाल करके। हम लोग ने कौन सा कड़ी लाए? सुहागिनी कड़ी लाए। अच्छी बात है। इसलिए इतने वहां पर लाए, कृष्णा अपना हाथों से पंचामृत से श्री गिरिराज को भी अभिषेक किया। और जितने वहां पर लाए थे प्रसाद, जितने वहां पर लाए थे सब में तुलसी पत्ता खाने में दे दिया। और उन्होंने गिरिराज को उन्होंने आह्वान किया। आह्वान करके बोले, हे गिरिराज गोवर्धन, आप कृपा करके जितने नब्बे तो आप कृपा करके ग्रहण करो। जब उनको भोग लगाया, वहां पर साक्षात गिरिराज प्रकट हो गए। और गिरिराज जी बोले, देखो मैं स्वयं गिरिराज हूँ, ध्यान देकर सुना, मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूँ। ये अर्नकूट महोत्सव में मेरी सेवा के लिए जो एक अर्न की दाना मेरे सेवा में दिया, मैं वरदान देता हूँ। किसी जीवन में भी घर में अर्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी। गिरिराज जी मुझे निकल गए। इतने महिमा श्री गिरिराज गोवर्धन की। बोले श्री गिरिराज महाराज की। उन्हें ठाकुर जी को भोग लगाए और गिरिराज जी स्वयं प्रकट होकर के उन्होंने सब कुछ हाथ पसार पसार करके गिरिराज जी ग्रहण कर रहे थे। और गिरिराज सबको आशीर्वाद दिए, सब फलते फूलते रहो जीवन में, हैं, आशीर्वाद दिए। लेकिन ब्रजवासियों ने और एक चीज मांगी। बोले हे गिरिराज, हमारे लाला जो कन्हैया है, इनको पर बारंबार विपत्ति आ जाती है, इतना आशीर्वाद करो जैसे मेरे लाला को पर कोई विपत्ति नहीं आई। कृष्ण खुद को खुद उन्होंने आशीर्वाद दिए। लेकिन गिरिराज गोवर्धन ने सब कुछ खा लिए। कृष्ण का एक सखा था मधुमंगल ब्राह्मण। अब देखना ब्राह्मण को खाने में थोड़ा शौक है। बोले कन्हैया तेरे ऐसे भूखे ठाकुर एक पीड़िता भी नहीं रखे, सबके सब खा गए। जब हम इंद्र पूजा करते थे सूखे प्रसाद तो 15-20 दिन तक खाते थे। भैया अगली बार हम तुम्हारी गिरिराज की पूजा नहीं, पूजा हम श्री इंद्र की करेंगे। कृष्ण बोले ऐसे मत कहा करो गिरिराज बाबा को, आंख बंद कर सबके सब, आंख बंद करो। आंख बंद किया तो गिरिराज ने ऐसे हाथ को उन्होंने घुमा दिया, तो जो 1 किलो लड्डू लाए थे ना हो गया 2 किलो, जो 2 किलो का लाए थे सूजी का हलवा हो गया 4 किलो, जो 5 किलो का लाए थे पूरी हो गया 10 किलो, सब डबल डबल हो गया। मतलब क्या है? ठाकुर को भोग लगाओ ना, प्रसाद कभी कमी नहीं पड़ता, प्रसाद कभी कमी नहीं पड़ता है, हैं? ब्रजवासी तरस उठे, बोले भैया हम तो ठग ही गए। बोले क्यों? बोले पता नहीं था डबल डबल हो जाने तो और थोड़ा ज्यादा बना कर दिया। कृष्ण ने कहा भैया चकाचक भोजन करो, चलो हम सबके साथ जितने बड़े बूढ़ों को बैठा दो बैलगाड़ी में, अब चलो चलते चलते श्री गिरिराज की हम परिक्रमा करेंगे। बोले आगे कौन चल रहे थे? बोले जितने ब्राह्मण संत आगे चल रहे थे। बोले पीछे कौन चल रहे थे? जितने गैया को भी परिक्रमा लगाए, उसको पीछे जितने ब्रजवासी और पीछे जितने माताएं और सबसे पीछे राधा रानी अपना सखियों को साथ में चल रही थी। राधा रानी सबसे पीछे थी। अभी राधा रानी सोच रही है, अगर कृष्ण मेरे अगर सचमुच से प्रियतम होएंगे, मैं चाहता हूँ कृष्ण आगे के थोड़ा मेरे को स्पर्श करे। कृष्ण राधा रानी की मन की भावना समझ करके एक बछड़ा का मुंह पीछे करके उन्होंने पूछ को ऐड दिए। इतने में बछड़ा फुदकते हुए पीछे पहुंच गया, कृष्ण राधा रानी को स्पर्श कर दिए। अरे राधा रानी तो गदगद हो गई प्रेम में। और थोड़ी दूर गए, अभी राधा रानी सोच रही है कृष्ण एक बार मुझको दर्शन दे दे।
अभी कृष्ण बीच में राधा रानी पीछे अभी दर्शन दे गए से, इतने में कृष्ण गया चरण का जो लाठी था उन्होंने ऊपर में जोर से फेंके। अब जब उसको पकड़ने के लिए गए ना, राधा रानी का दो आंख और कृष्ण का दो आंख मिलकर चार हो गया। बड़े आनंद सबके साथ गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं। अभी हमारे प्रभु जी आपको कई कुल बच्चों को नचाना चाह रहे थे ना, कहा है? हाँ देखो इधर सुनो, कल है कथा का विश्राम का दिन है, कथा कभी समाप्त नहीं होता है, कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंत। कल कथा का विश्राम का दिन, कल जो व्यक्ति मैंने पहले बताया था ना ये भागवत नहीं ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष का मतलब होता है जो मांगो भागवत से, अगर सही सही नियम से अगर कोई भागवत कथा सुना होगा आप ठाकुर को जो मांगो ठाकुर जी वही दे देते हैं। कल कथा के विश्राम का दिन है, कल की जो कथा सबसे ज्यादा महत्व है, जो सात दिन तक नहीं सुन पाए, नहीं तो बीच में आए लास्ट में आए नहीं सुन पाए, अगर कल की कथा जो सुन लेगा उसको सात दिन कथा सुनने का फल उसको मिल जाएगी। इसलिए कल आप थोड़ा जल्दी जल्दी आइएगा, कल रासलीला ठाकुर की होगी, रुक्मिणी का विवाह भी होगी। हाँ देखो रुक्मिणी के विवाह में कोई कोई साड़ी देते हैं, अगर आप लोग सही सही साड़ी दोगे ना, वृंदावन में हमारे राधा रानी है उनको हम पहनाएंगे, अगर अच्छे कोई साड़ी दोगे हम राधा रानी में वृंदावन को पहनाएंगे। कल श्री सुदामा जी का चरित्र है, सुदामा जी के चरित्र में कल हम सुनेंगे जैसे सुदामा दो मुठी ठाकुर को चिड़वा दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया। इसलिए कल आप लोग अपना घर से थोड़ा थोड़ा चावल लाना और कल मैं यहीं से आपको थोड़ी थोड़ी चावल दूंगा, वो चावल को लेकर के किसी लाल कपड़े में बांध करके उसमें कुछ सिक्का डाल करके ठाकुर का मंदिर में रखना, रखने से घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाती, घर में लक्ष्मी तुम्हारी हर समय टिकी रहेगी। लेकिन घर से कुछ कुछ चावल लेकर जाना, मैं यहाँ से आपको मैं आपको चावल दे दूंगा, वो चावल को लेकर के ठाकुर जी को मंदिर में रखना, ठीक है? अभी कोई भैया किसको कौन नृत्य करेंगे, कहाँ गए सबके सब है क्या, कहाँ कहाँ है भैया, कहाँ है? नहीं तो हमारे भैया कीर्तन करेंगे, कीर्तन करेंगे। और गिरिराज से जो पूजा करना चाहे पूजा करना है, और गिरिराज से जो मांगना हम लोग गिरिराज से मांग लेंगे। ये कीर्तनों के बाद में बीच में इसको सबके साथ परिक्रमा करके जाना है। आज लगता है कोई प्रसाद दिया है ना भैया, आज किसने प्रसाद दिया है गिरिराज में, किसने आज प्रसाद दिया? सीमा भी दी, क्या नाम है? आज किसने प्रसाद दिया, कहाँ क्या आई है? नहीं आई। हाँ आज सब भक्त लोगों के लिए क्या क्या लाए बना करके? कढ़ी चावल हलवा लाए, सुनीता दीदी दी है, आप उनके लिए ताली बजाओ जोर से। आज गिरिराज की पूजा में हमने सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की, और वहां से थोड़ा प्रसाद माता जी, वहां से थोड़ा प्रसाद यहाँ दे दो, दे दिया दे दिया ना।
जो भी गिरिराज जी का पूजन करना चाहते हैं। मैं तो पूछा आपको, पूछा कोई जानकारी बोले, जो भी गिरिराज जी का पूजन करना चाहते हैं बारी बारी से पूजन के लिए आते रहेंगे। पूजन करने वाला अपनी जगह पर बैठ जाए। नंद यशोदा है, नंद वाले नहीं है। तो गो ले आओ मंदिर तक। Oh,
अरे कृष्ण तो सात सात दिन तक खड़े रहे थे। अरे ओ गोपी कौन से गाने के नृत्य करोगे? कहाँ दिया सब